कभी कभी क्या होता है टेढ़ा हो जाता है, अब तो नॉर्मल डिलीवरी कभी ना हो पाए। माँ के पेट को लेकर ऐसे क्या कर देते हैं, घुमा देते, कई बार नहीं घूम पाता। नियोसेप्टोसिस बनाया गया जेंडर डिसाइड करने में कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन देखिए बच्चा जो रहता है माँ के पेट में वो डायरेक्ट जो होता है माँ के संपर्क में ना रह के बल्कि एक थैला में बंद रहता है। इस थैला को हम इमियोटिक सैक कहते हैं। बच्चा जो माँ के पेट में रहता है जब वो छोटा होता है तो उसका मुंडिया ऊपर रहता है, रहता है ऊपर। तो मुंडी जो होता है ना शरीर के तुलना में बहुत भारी होता है, इसलिए जब भी कोई आदमी डूबेगा ना तो देखिएगा उसका मुंडिया नीचे चल जाता है। ग्रेविटी का सिद्धांत के अध्यात्म में कहते हैं बुड़वा डुबा दिया उसको। पता नहीं आप लोग क्या फेमस है बुड़वा, एक तो नदी में ना कहते लोग बुड़वा घूमता है पंडुब्बा, पंडुब्बा तो कहते लोग मुंडिया नीचे ले जाके गाड़ देता है। नहीं, जब आपको तैरने नहीं आएगा ना तो आपकी बॉडी फ्लोट करेगी, जैसे बॉडी फ्लोट करेगी ना तो आपका मुंडी का वेट ज्यादा है, ये क्या है ज्यादे, इस वजह से ये कहां चला जाएगा नीचे और आप हो जाएंगे भी बन जाएंगे इसे। आप क्या बन जाएंगे भी। कहानी खत्म। तैरना बहुत जरूरी है, आप लोग को जब भी मौका मिले तैरना जरूर सीखिएगा लोग। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। माँ के पेट में भी जब बच्चा रहता है तो एक फ्लूड में रहता है, पूरी तरह से क्या रहता है लिक्विड होता है, एक फ्लूड होता है वहां पे। उसमें जब जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो उसका ना भार की वजह से मुंडिया कहाँ चलाता है नीचे चला, और नॉर्मल डिलीवरी में वही चलता है। किसी किसी का नहीं आ पाता है तो पहले शरीर से क्या आ जाता है पैर या बाल, तो उसको क्या बोलते हैं लोग उल्टा पैदा हो गया है, तो वो चिलिक उलिक झाड़ता है देहात में, चिलिक समझते हैं लोग, पंजरी उजरी में कभी चमक उमक हो जाएगा तो क्या करेगा लात से झाड़ देता है। कभी कभी क्या होता है कि माँ ये टेढ़ा हो जाता है, क्या हो जाएगा टेढ़ा हो जाएगा, फिर तब तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया। अगर मुंडिया इधर हो गया अब पैर इधर हो गया अब तो नॉर्मल डिलीवरी कभी ना हो पाएगा यहाँ पे। तो उसको ना कुछ एक्सपीरियंस दाई वगैरह होती है गांव में तो माँ के पेट को लेकर ऐसे क्या कर देते हैं घुमा देते हैं। इसी सब चक्कर में कभी कभी देखिए कुछ चीज़ें जो एडजस्ट होने लायक रहेगी उसमें तो पक्का एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन डिजीज़ बीमारी की या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स की कोई वो थोड़ी होता है कि सब में वो ठीक ही हो जाए। कई बार नहीं घूम पाता है और इतना तकलीफ होती है उसको घुमाने में, थोड़ा सा उतना बड़ा शरीर में, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है हाथ पैर मारने लगता है। एक छोटा सा पथरी होता है ना, छोटा सा पथरी चना के दाना बराबर, आपको बर्दाश्त नहीं होगा पथरी का दर्द, बाप बाप चिल्लाएगा, इतना भीषण दर्द करता है पथरी का दर्द ना, छटपटाने लगिएगा आप। सोचिए एक माँ इतना बड़ा बच्चे को पेट में रहती है, इतनी चूंकि पथरी नहीं बर्दाश्त होता है, समझे तुरंत ही इंजेक्शन मारते हैं डायलोना या टेबलेट, बर्दाश्त हो जाए इसको यहाँ पर। और जब घुमाते हैं तो उसको तकलीफ से दर्द से कई बार मृत्यु हो जाती है, और कई बार ऑपरेशन मैंडेटरी हो जाता है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? तो इस थैली का नाम क्या है? इमियोटिक सैक। बच्चा किसमें रहता है? देखो कितना आराम से सुतल है। ये किसमें है? इमियोटिक सैक। डॉक्टर ना सोनोग्राफी करके यानी अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड, तो सोनोग्राफी भी बोलते हैं उसे, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से वो बच्चे को देख लेता है। अब बच्चा पेट में तो है नहीं, पेट के अंदर यूट्रस है, यूट्रस के अंदर इमियोटिक सैक है, और इमियोटिक सैक के अंदर बच्चा है, तो उसी को कहते हैं इमनियोसेप्टोसिस। तो जांच जो करता है क्या कहलाता है? इमनियोसेप्टोसिस। तो बच्चे के अंदर की पता कर लेता है कोई बीमारी उमारी तो नहीं है, तो इमनियोसेप्टोसिस बनाया गया था कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, तो उसकी जांच कर लेता है। लेकिन उसका मिसयूज होने लगा कि जेंडर डिसाइड करने में कि लड़का है कि लड़की है। तो इमनियोसेप्टोसिस क्या है? इमियोटिक सैक के अंदर देख लेना और बच्चे के यानी भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना, जेंडर बता देना कि लड़का है या लड़की है। हालांकि यह गैर कानूनी है, बताना नहीं चाहिए। कुछ डॉक्टर इसको फॉलो भी करते हैं, कुछ इसको नहीं भी फॉलो करते हैं। तो डॉक्टर को एथिकल होना बहुत जरूरी है, आदर्श उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि इंसान समर्पित हो जाता है डॉक्टर के पास जाके, अब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सबको पता है कि समाज में ये कुरीतियाँ आज भी विद्यमान है, इस चीज को समझ में आएगी नहीं आ गया। और धीरे धीरे ये चीजें खत्म होंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब समाज का हर वर्ग इसके विरोध में अब खड़ा होने लगा है। आगे देखिए, और आप पुरुषों को भले दीजिएगा, महिलाएं तो कहती कि बेटा रही तो ठीक रही, लो जाए यहां पर जाइबे ना करे, अल्ट्रासाउंड कराए, अगर प्रॉब्लम है तब जाइए,
अब बिना प्रॉब्लम उनको नहीं पता है कि अबॉर्शन कराने ले जा रहा है या बच्चा है, तो आधा सहयोग तो उसमें भी रहेगा, चाहे मजबूरी बस हो या फिर आप भी उसी विचारधारा के हो। कुछ की तो मजबूरी हो सकती है कि दबाव बनाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, लेकिन 100% की तो मजबूरी नहीं है, कुछ में ये भी योगदान है इन लोग का भी, तो ये सबको भी आप नकार नहीं सकते।